नमस्कार, मैं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। शारदीय नवरात्रे चल रही हैं और हर तरफ धूम है, जोरों शोरों से व्रत की तैयारियां की जा रही हैं, माँ का स्वागत किया जा रहा है, व्रत अनुष्ठान इत्यादि रखे जा रहे हैं। ऐसे में मैं आपका एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आप लोग बाजार से जिस प्रकार के अन्न लाते हैं, क्योंकि इस व्रत में शुद्धता का महत्व है कि कितनी स्वच्छता आप रखते हैं, कितनी शुद्धता आप रखते हैं। आपको अपने आसपास बहुत शुद्धता और स्वच्छता बनाकर रखनी है, और यह केवल एक भौतिक स्तर पर ही नहीं, मानसिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी। यानी मनसा वाचा कर्मणा आपने कोई भी अशुद्ध बर्ताव नहीं करना है। तो इसी प्रकार से आप अपने मंदिर में अपने पूजा के बर्तन दोनों समय स्वच्छ कीजिए, मंदिर में साफ सफाई बनाकर रखिए, और इसी प्रकार से आप आहार में भी बनाकर रखिए। हम जो बाजार के आहार लाते हैं, वे जाने किन किन हाथों से बनकर निकले होते हैं और कैसी कैसी मानसिकता के लोग उन्हें बनाते हैं, और जिस वक्त वे बना रहे होते हैं, जाने उनके कैसे भाव होते हैं, जाने वह आस पास का माहौल, वह वातावरण कैसा होता है जहाँ से ये सब बनकर आता है, जाने उनमें कैसी कैसी गंदगी होती है, और उन सब से आपको परहेज करना चाहिए। फिर भी कुछ लोग, आजकल नवरात्रा थाली मिलती है, समय और सुविधा के लिए लोग बाहर से खाने की थाली मंगवाते हैं, तो उसमें भी सेम नियम लागू होता है कि उसमें भी कुछ भी अशुद्ध तत्व, अशुद्ध पदार्थ होते हैं। फिर भी भागदौड़ की जिंदगी में लोग धर्म निभाने का प्रयत्न करते हैं, जो कि एक सराहनीय प्रयास है कि इतनी बिजी लाइफ में फिर भी लोग व्रत रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को निवेदन करूंगी कि कोशिश करिए कि अपना भोजन स्वयं अपने हाथों से बनाएं, यहां तक कि आप परिवार के अन्य सदस्यों का भी आश्रय नहीं लें, और सिंपल से सिंपल फलाहार बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और साधारण से साधारण तरीके से हो जाते हैं, और साधारण फलाहार ही इस व्रत में उत्तम माना गया है। तो अपना भोजन स्वयं बनाएं, जब भी बनाएं स्वयं बनाएं, किसी अन्य की मदद ना लें, और कोशिश करें कि उस भोजन के समय आसपास किसी की उपस्थिति ना हो। हालांकि यह थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन शांत और एकांत वातावरण में आप अपने भोजन को तैयार करें। माँ भगवती के नाम जप का स्मरण करते हुए, भजनों को गुनगुनाते हुए, भजनों को सुनते हुए आप अपने भोजन को स्वयं ग्रहण करें, और यह तो सर्वविदित है। आप सब जानते हैं कि माँ को भोग लगाना है और फिर आहार ग्रहण करना है, इतना तो सभी समझदार हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊं कि आप किसी भी प्रकार की सेवा किसी से नहीं लें, यानी अपने बर्तन भी आप स्वयं उठाएं और अपने बर्तन आप स्वयं स्वच्छ भी करें। तो जितना आप अन्यों का आश्रय नहीं लेंगे, उतनी ही आपका तपोबल आप में बढ़ेगा, शक्ति का संचय होगा, और आपका जो व्रत है वह आपको अनेक फल दिलाने वाला होगा, और आपको अनंत अनंत गुणिया उसका फल मिलेगा। तो अपने व्रत की रक्षा कीजिए, अपने आहार की रक्षा कीजिए, और अपने पुण्य की रक्षा कीजिए। इस तरह दूसरों से आश्रय लेने से आपका जो पुण्य है वह बट जाता है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं कि पुण्य बट जाता है। तो हम जब स्वयं के लिए कुछ पुण्य कमाने चले हैं, तो उसे दूसरों के साथ क्यों शेयर करें, है ना। तो आशा करती हूँ आप मेरी बात समझे होंगे। नमस्कार।